जंगल जैसे संसाधन में समृद्ध जिला गढ़चिरौली एक आदिवासी इलाका है जो पिछड़े जिलों में से एक है। जिले का 80% क्षेत्र जंगल से ढका है। एटापल्ली तहसील जिला मुख्यालय से पूरब की तरफ 122 किलोमीटर दूरी पर है। एटापल्ली ग्राम समूह की 95% आबादी अनुसूचित जनजातियों से है। 2007-2008 में हुए सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ की 96% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। आजीविका की मुख्य गतिविधि होते हुए भी सिंचाई की सुविधा न होने के कारण यहाँ खेती बहुत ही सीमित है। यहाँ के घने जंगलों में स्वाभाविक तरीके से बढ़ने वाले ऐन जैसे कई वृक्ष हैं, जो रेशम कीड़ा पालन के लिए उपयुक्त हैं। यह ध्यान में रखते बाइफ द्वारा यहाँ रेशम कीड़ों की पैदावार का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस गतिविधि से रोजगार निर्माण होने के साथ जंगल का संरक्षण भी हो रहा है। कीड़ों के अंडों का निर्माण, कीड़े पालना तथा कोशे से धागा निकालने जैसी प्रमुख गतिविधियां इस कार्यक्रम द्वारा शुरू की गई। स्थानीय स्तर पर वैल्यू चेन बनाने हेतु विशिष्ट गतिविधियों का अमल किया गया, जैसे कीड़ा पालन, बीज उत्पादन और कोशा प्रक्रिया। रेशम धागा निर्मिति के लिए स्थानीय लोगों का प्रशिक्षण तथा आवश्यक साधन उपलब्ध किए गए। रेशम धागे का विपणन बाइफ द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम द्वारा 162 परिवारों को 120 दिन के रोजगार से 8000 रुपए औसत आय मिल रही है। बांडे मध्ये टासर रेशम उद्योग जब काम चालू होता तेव्हा मी बघितला आणि नंतर सरांना विचारलं पहिला आम्हाला हे विजय देऊन द्या म्हणून। मग नंतर विजय घेतलं गेल्या वर्षी आणि हे कोष उत्पादन करणं चालू केलं। मी पहिले रोजीने जात होतो, शेतीचं काम करत होतो, शेतात काही दान जास्त भेटत नव्हते म्हणून बांबू कटायला पेपर मिलच्या दूर दूर जात होतो, 100-100 किलोमीटर दूर पायदल। मग त्यानंतर असेच रोजीन जाता जाता एक मित्र संस्था म्हणून एक साहेब माझ्या घरी आला। मग विचारला कोसा टाकतेस का म्हणलं, आता कसा टाकू साहेब म्हणलं, तर साहेब म्हणला टाकून पहा म्हणे। तर मग पाहतो साहेब टाकून म्हणलं तर पहिल्या वर्षी 40,000 अंडे दिले। 40,000 मधून मला काय अनुभव नव्हते, तरी 5,000 कोस काढलो मी। मग हा माझ्या 14 वर्षी हो, 2,00,000 बिजाय टाकलो मी। आता कोणी आमचे दूर दूरचे लोक येतात इथे म्हणजे अंडेसाठी 40-40, 50-50 किलोमीटरचे लोक येतात, आम्हाला पाहिजे म्हणून आता त्यांनाच देऊन देतो। आता म्हणजे मी कोसच्या उत्पन्न करता करता नाही का साहेब, माझ्या घरी सायकलसुद्धा नव्हती, फटके फुटके सायकल होती, तर 3 वर्ष कोसाचे उत्पन्न घेता घेता एक सेकंड हँड मोटरसायकल घेतली। लोगों को जंगल की अहमियत का एहसास हुआ है और वे करीबन 100 एकड़ जंगल के रखरखाव में जुटे हुए हैं। माइक्रोस्कोप का उपयोग सीखकर इससे जुड़े युवकों ने अपनी क्षमता सिद्ध की है, जिससे वे स्वस्थ अंडे चुनते हैं। उन्हें विश्वास है कि स्थानीय स्तर पे वे बीजोत्पादन की गतिविधि कर सकते हैं। अन्य संस्था तथा शासन की संलग्नता से यह कार्यक्रम अब गढ़चिरौली और चंद्रपुर के 4 तहसीलों में फैल गया है। सीमित खेती तथा अन्य उद्योगों की अनुपस्थिति के कारण बढ़ने वाली बेरोजगारी युवकों में सामाजिक या राजकीय अस्वस्थता के प्रश्न निर्माण कर सकती है। आजीविका के इस मार्ग से युवकों को रोजगार मिल रहा है।
आजीविका के लिए आवश्यक क्षमता में बढ़ोतरी के कारण उनका आत्मसम्मान बढ़ा है और उनके प्रति समाज की स्वीकृति भी। किसी भी सहभागी को काम की तलाश में आप बाहर जाने की जरूरत नहीं रही। इस तरीके से टसर सिल्क कार्यक्रम पूरक आजीविका के रूप में सफल सिद्ध हुआ है।